जो लोग अपने रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कम पानी पीते हैं उनको कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं। अगर इंसान कम पानी पिए तो वो जल्दी जल्दी बीमार होता है और कई बीमारियां उनके शरीर को पकड़ लेती हैं। पर्याप्त पानी पीना हमारी सेहत बनाए रखने के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन अक्सर देखने में आता है कि दिन भर की भागदौड़ के कारण लोग कम पानी पीते हैं, जो सेहत को काफी नुकसान पहुंचाता है। इस वक्त यूरोलॉजी के संबंध में तो ज़्यादातर यूरेट्रिक स्टोन और पेशाब के समस्या के संबंध में प्रोस्टेट के जो मरीज हैं वो ज़्यादा आ रहे हैं, यानी पथरी और प्रोस्टेट बैंक। ये बात बिल्कुल सही है कि ये जो मौसम होता है इसमें जो स्वेटिंग है और एवेपोरेशन है उससे शरीर से पानी का लॉस ज़्यादा होता है और इसके कारण स्टोन गुर्दे में बनने की संभावना ज़्यादा रहती है। गर्मी के मौसम में स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा रहती है और स्टोन ज़्यादा बनते हैं और उसके कारण हम लोगों को ज़्यादातर ऐसे मरीज मिलते हैं जिनको गुर्दे के स्टोन के कारण दर्द हो रहा है। हमारे शरीर में 70% पानी होता है, इसलिए भरपूर पानी पीना चाहिए। जब शरीर को पर्याप्त पानी मिलता है तो कई रोगों से बचाव होता है। पानी की कमी होने पर कई स्वास्थ्य समस्याएं हो जाती हैं। शायद आपको मालूम ना हो, लेकिन पानी ना पीने के काफी नुकसान होते हैं। आइए जानते हैं कि शरीर में पानी की कमी किन किन बीमारियों को जन्म दे सकती है। एलोपैथी में इसका ट्रीटमेंट उपलब्ध है और हम लोग दवाइयाँ देते हैं जिससे छोटे स्टोन अपने आप निकल जाते हैं और बड़े स्टोन को ऑपरेशन की आवश्यकता पड़ती है। तो विशेष तौर पे हम लोगों से ये कहना चाहेंगे कि ज़्यादा पानी पिए ताकि गुर्दे में स्टोन बनने की संभावना कम रहे। पानी ज़्यादा पीने से ये समस्या कम हो जाती है। पानी की कमी में शरीर में थकान महसूस होती है, जिसके कारण आप एनर्जी की कमी महसूस कर सकते हैं। पानी की कमी से सिर दर्द, उलझन, तनाव वगैरह समस्याएं हो सकती हैं। कम पानी पीने से सिर दर्द की समस्या भी बढ़ सकती है। पुरुषों में थोड़ा ज्यादा होता है क्योंकि वो शायद घर के बाहर रहते हैं तो उनके पास पानी पीने के पानी की उपलब्धता कम रहती है, तो पुरुषों में ये समस्या थोड़ी ज्यादा पाई जा सकती है। शरीर में पानी की मात्रा कम होने से डिहाइड्रेशन की समस्या हो जाती है, जिससे पेट खराब, अपच और दर्द की समस्या हो सकती है। पानी की कमी के कारण शरीर में विषैले पदार्थ बाहर नहीं निकल पाते हैं, जिससे अंदर कई बीमारियां लगती है। सी न्यूज के लिए लक्ष्मीराज सिंह की रिपोर्ट।